शराब की दुकानों को बंद करने के साथ साथ ग्राहकों से खुलेआम ओवर एक्टिंग के खेल पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस दोनों संयुक्त रूप से एक्शन मोड पर है। लेकिन इसी कार्यवाही की आड़ में अमेठी में कुछ अधिकारी सरकारी ठेके के सेल्समैन के साथ बदसलूकी करते भी नजर आए और उन्हें उसे मारा पीटा और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इन्हीं अधिकारियों ने मौके से 10 पेटी शराब भी गायब कर दी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र में विकास की गंगा बहे ना बहे, लेकिन इनके अधिकारी लोगों से डर की गंगा जरूर बहा रहे हैं। ताजा मामला थाना कमरौली क्षेत्र में ग्राम हसनपुर कठौरा से सामने आया है। वहीं एक सरकारी ठेके पर सेल्समैन राम कुमार को आबकारी इंस्पेक्टर आदित्य कुमार वर्मा ने पीटा है और फिर वहां से उन्हें बद्दी बद्दी गालियां देकर मौके से 10 पेटी शराब लेकर भी रवाना हो गए। मैं शराब ठेके में सेल्समैन हूँ और कल शाम को 7 बजे करीब आबकारी टीम गौरीगंज मेरे यहाँ आई। हाँ। और मुझे दुकान कर उठाकर मेरे घर लाई, अपने पास कहीं एक पेटी माल उठाकर मेरे घर में रखकर मुझे वहाँ खड़ा करके और मतलब जो मेरे से कागजी कार्रवाई जो है साइड मान ली है, बोले कि जो है ऐसा 50,000 रुपये जो भरना जो है मैं आपको NDPS और कई अन्य धाराओं में फंसाकर जेल भेज दूंगा। हाँ सर, इसका शिकार जो है कल मुझे मार दिया गया था जिससे मुझे कुछ चोटें आ गई थी जिसके लिए मैं थाने तक नहीं जा पाया। आज मुझे थोड़ा सा आराम मिला तो मैं जो है मीडिया के सामने समझ पेश हुआ। अधिकारी इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने राम कुमार से करीब 50,000 तक का डिमांड भी कर दिया। सर मेरे पीछे से दो लोग काला पकड़े थे, दो लोग मार रहे थे और 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। 20 मिनट के अंदर 50,000 रुपये लेकर आओ पैसा। हाँ सर, मैंने 50,000 रुपये जो है व्यवस्था करके जो है 20 मिनट के अंदर लाए पैसे हम दिए तो मेरी जान बची सर। 20 मिनट में राम कुमार ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर खुद की जान बचाई, लेकिन जब वो इंस्पेक्टर के पास 10 शराब की पेटियां वापस लेने पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। हमारा सिग्नेचर जो है अन्य कागजों पे करा के उसके बाद लेके चले गए, बोले किसी से बताना नहीं वरना जो है आपको ऐसे धाराओं में फंसा दूंगा कि आप अभी जीत छूट नहीं सकोगे। ऑफिस मुझे बुलाया गया था, बोले ठीक मैं 50,000 रुपये मैं जानता हूँ कि हाँ हम लेके आए हैं, लेकिन भी आपका 10 पेटी जो शराब लेकर आए हैं वो जो है मैं नहीं दूंगा ना ही मैं लाया हूँ। ये इंस्पेक्टर आदित्य कुमार वर्मा है, इनके साथ में जो है वो अभय प्रताप सिंह थे, पांडे थे और सुधीर पाठक थे। सेल्समैन का आरोप है कि इस प्रकरण की शिकायत उसने थाने में की, लेकिन अभी तक इस मामले में अधिकारियों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और उसे अब अपनी जान का खतरा भी सताने लगा है। अब ऐसे में आखिर कब तक इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस वक्त अमेठी में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि अब अगर कानून खुद ही गुनाह पर उतर आएगा तो भला आम जनता की कोई क्या सुनेगा। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर जाकर फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।